मध्य प्रदेश के इंदौर के एक शॉपिंग मॉल के चेंजिंग रूम में छात्रा का वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आरोपी शाहिद शोरूम में मैनेजर के पद पर काम करता है, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इससे पहले लड़की के परिवार वालों ने मॉल में ही आरोपी की जमकर पिटाई की। यूपी के शाहजहांपुर में संपत्ति के लिए दो लोगों की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने चाचा और चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात में 13 साल की लड़की ही सुरक्षित बची है। पुलिस फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिहार के औरंगाबाद में दबंगों के दो दलित नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दबंगों ने दुष्कर्म के बाद मामले को दबाने की धमकी भी दी। वारदात के वक्त पीड़िता के घर वाले घर पर मौजूद नहीं थे। पीड़ित के परिवार वालों ने महिला थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। यूपी के हमीरपुर में एक नाबालिग लड़के पर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को पकड़कर थाने भेज दिया है। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अज्ञात चोरों ने SBI बैंक के ATM को निशाना बनाते हुए ATM में रखे 12,18,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने ATM परिसर में लगे CCTV पर काली स्याही लगा दी, ताकि उनकी तस्वीर रिकॉर्ड ना हो सके। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद चोरों की तलाश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर के घर दिन दहाड़े चोरी हो गई। चोरी के वक्त घर के सदस्य पीछे के कमरे में मौजूद थे। वारदात में अलमारी में रखा 22 तोला सोना, 700 ग्राम चांदी और करीब 15,000 नकदी चोरी हो गए। पीड़ित ने थाने में चोरी का मामला दर्ज करा दिया है। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 8,00,000 रुपए बताई जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार को एक बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। चोरी का यह पूरा वाकया CCTV में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो बदमाश बुजुर्ग महिला का बाइक से पीछा कर रहे थे, जिनमें से एक बदमाश धीरे धीरे महिला के पीछे चलता रहा और मौका पाते ही वारदात को अंजाम देता है और दोनों भाग खड़े होते हैं। पुलिस ने CCTV के आधार पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुक्रवार सुबह पुलिस ने रोडवेज स्टेशन के पास बने ओवरब्रिज के नीचे से 4 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया। इन 4 तस्करों में से एक इनामी बदमाश भी है, जिस पर पुलिस ने 2500 का इनाम रखा था। तस्करों के पास से 510 ग्राम हेरोइन और 13,570 रुपए नकदी जब्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 51,00,000 रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाइक पर जा रहे केबल ऑपरेटर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि केबल ऑपरेटर मंजीत बाइक पर सवार होकर अपने ऑफिस जा रहा था। इसी दौरान हेलमेट पहनकर आए कुछ बदमाशों ने मंजीत पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फरार हो गए। मामले में शामिल किसी भी बदमाश की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यूपी के संभल में मकान कब्जा करने के उद्देश्य से दबंगों ने दिव्यांग की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका शव जंगल में पड़ा मिला। मृतक हरि सिंह ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक मकान खरीदा था, जिस पर कब्जा करने के लिए कुछ दबंग कई दिनों से उसे परेशान कर रहे थे। मृतक के परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।